हेलो फ्रेंड्स फैशनेबल क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है मैं सुलेखा आज मैं आपको ये मोती वाला तोरण बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल नया डिजाइन है ये देखिए मोती वाला तोरण ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है ये जो हमने बॉर्डर पट्टी जो हमने बनाया है ये फ्लावर बॉर्डर पट्टी है ये देखिए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इस तोरण के लिए हमने ये पर्पल कलर और ये क्रीम कलर हमने लिया है ये फोर ऊन है हमारा ये ग्यारह नंबर का क्रोशिया है और ये हमने आठ नंबर का मोती लिया है चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें ये बॉर्डर पट्टी बनानी है ये देखिए तो हमने ये पर्पल कलर लिया है सबसे पहले धागे में हमें नोट लगानी है फिर 18 चेन्स, अठारह चैन हमें बनानी है एक दो तीन चार पाँच इसी तरह हमें अठारह चैनस हमें बना लेना है ये हमने 18 चैनस हमने बना लिया फिर प्लस दो फिर जो हमारा चौथा नंबर का जो चैन है वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है फिर हमारी जितनी भी यहाँ पे चैन है सभी में हमें एक एक डबल क्रोशिया में बनानी है टोटल हमें यहाँ पे अठारह डबल क्रोशिया में बनाना है ये हमने यहाँ पे अठारह डबल क्रोशिया हमने बना लिया फिर हमें यहाँ पे तीन चैन बनाना है एक दो तीन फिर से हमें टर्न करना है फिर इसके बाद फिर हमें चार डबल क्रोशिया बनानी है एक दो तीन चार ये हमने चार डबल क्रोशिया हमने बनाया एक दो तीन चार ये तीन डबल क्रोशिया हमने बनाए, और हमारी पांचवीं डबल क्रोशिया है फिर हमें यहाँ पर एक चेन बनाना है फिर लूप को हमें थोड़ा हाफ इंच तक इसे लंबा करना है फिर ये और ये जो हमारा है धागा इन दोनों के बीच से हमें हुक को निकालना है दो बार एक दो फिर एक दो तीन जो तीसरे नंबर का डबल क्रोशिया है यहाँ पर फिर हमें तीन बार धागे किस तरह निकालना है एक दो तीन फिर अगली एक दो तीन फिर अगली तीन डबल जो तीसरे नंबर की डबल क्रोशिया है उसमें भी एक दो तीन इस तरह हमें ये हमने तीन बार बनाया है एक दो तीन फिर सभी को हमें एक साथ ले लेना है धागे को बिल्कुल टाइट करना है देखिए इस तरह फिर इसे लॉक करना है ये हमने लॉक कर लिया फिर एक चैन फिर लूप को हमें लंबा करना है यहाँ पर हमें फ़्लावर बनानी है लूप को हमने लंबा किया फिर जो हमने जिससे हमने इसे टाइट किया था उसी धागे में फिर हमें हुक को डालना है जो हमारा सर्कल है बीच में ये देखिए तीन टाइम एक दो दो बार हमने फिर इसे हमें इस तरह कर लेना है ये देखिए फिर एक दो, दो डबल क्रोशिया स्कीप जो तीसरी डबल क्रोशिया है वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है ये देखिए फिर यहाँ पर जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी में हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है ये देखिए इधर भी हमने पांच डबल क्रोशिया हमने बनाया इधर भी हमने पांच डबल क्रोशिया बनाया फिर तीन चैन फिर इसे टर्न करना है फिर यहाँ जितनी भी डबल क्रोशिया सभी के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है ये हमने सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया है ये देखिए फिर हमें यहाँ पे दो चैन फिर ये जो हमारा सर्कल है ये देखिए जो बीच में हमारा जो सर्कल है इसमें हमें दो पफ बनानी है तो तीन टाइम हमें धागे को लेना है एक दो तीन फिर सभी को इस तरह हमें कर लेना है फिर दो चैन फिर इसी सर्कल के अंदर हमें एक दो तीन फिर सभी को ये देखिए ये हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया है फिर दो चैन फिर यहाँ जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा फ्लावर है फिर इधर हमारी जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी को ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया में बनानी है ये देखिए फिर तीन चैन फिर इसे टर्न करना है फिर इस लाइन में हमें सभी में डबल क्रोशिया में बनानी है जितनी हमने नीचे से हमने जो स्टार्टिंग किया था अठारह डबल क्रोशिया उसी तरह हमें यहाँ पे भी टोटल अठारह डबल क्रोशिया में बनानी है दो तीन चार साइड में हमने पांच डबल क्रोशिया जो हमने बनाया था सभी के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया फिर जो पिछले लाइन में हमने यहाँ पे दो चैन जो हमने बनाया था यहाँ पे इसमें हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है इसके अंदर एक दो फिर जो हमारा ये पफ है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है फिर जो यहाँ पे दो चैन है यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है, एक, दो फिर जो हमारा पफ है दूसरा पफ है उसमें इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है फिर जो दो चैन है यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है ये देखिए यहाँ पे हमने आठ डबल क्रोशिया हमने बनाया दो यहाँ पे बनाया फिर एक इसके ऊपर फिर दो हमने यहाँ जो दो चैन बनाया था यहाँ पे फिर एक पफ के ऊपर फिर दो यहाँ हमने यहाँ पे हमने आठ डबल क्रोशिया बनाया और साइड में हमने यहाँ पे पाँच और पाँच यहाँ दस और बीच में हमने आठ बनाया टोटल हमने यहाँ पे अट्ठारह डबल क्रोशिया हमें बनानी है जितना से हमने स्टार्ट किया था उतना में हमें यहाँ भी बनाना है तो फिर बाकी जो हमारे यहाँ पर जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है ये देखिए सभी में हमने यहाँ पे बना लिया डबल क्रोशिया टोटल हमने यहाँ पे अठारह डबल क्रोशिया बनाया फिर हमें यहाँ पे तीन चैन फिर इसे हमें टर्न करना है फिर जिस तरह हमने यहाँ ये दूसरा लाइन जो हमने बनाया था उसी तरह हमें यहाँ पे अभी इसे रिपीट करना है हमने तीन चैन बनाया फिर इसे हमने टर्न किया फिर चार डबल क्रोशिया बनानी हमें एक दो तीन चार ये यह हमने यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाया फिर जो तीन चैन बनाई हमारी पाँच में डबल क्रोशिया है फिर एक चैन फिर लूप को हमें लंबा करना है फिर दो टाइम हमें ये देखिए ये इस धागे के अंदर और ये जो धागा है दो धागे के बीच से हमें इसे निकालना है एक दो दो टाइम हमने निकाला फिर एक दो तीन जो तीसरे नंबर की जो हमारी डबल क्रोशिया है फिर अब इसके ऊपर हमें तीन बार करना है धागे को एक दो तीन सभी धागे को हमें बराबर रखना है फिर एक दो तीन जो तीसरे नंबर की डबल क्रोशिया है फिर इसके ऊपर हमें बनाना है एक दो तीन सभी को फिर एक साथ ये देखिए एक साथ सभी को हम इस तरह फिर इसे हमें इस तरह लॉक कर लेना है इसे ये देखिए फिर एक चैन फिर लूप को हमें लंबा करना है फिर जो हमारा बीच का जो सर्कल है फिर दो टाइम हमें निकालना है एक दो फिर यहाँ पर हमें पफ बनाना है फिर एक दो तीन जो तीसरे नंबर की डबल क्रोशिया है यहाँ सब हमें पांच डबल क्रोशिया बनानी है सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया में बनाना है तीन चार पाँच फिर तीन चैन फिर इसे टर्न करना है फिर ये सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया में बनानी है ये हमने सभी डबल क्रोशिया के ऊपर में डबल क्रोशिया बना लिया फिर दो चैन एक दो ये हमने दो चैन बना लिया फिर जो बीच का सर्कल है यहाँ पे हमें बनानी है दो पफ तीन टाइम हमें निकालना है धागे को एक दो तीन फिर इसे सभी को ले लेना है हुक पे हमें दो धागा रखना है फिर फिर दो चैन फिर हमें पब बनाना है तो तीन बार धागे को हमें निकालना है एक दो तीन फिर दो चैन फिर सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया में बनानी है ये देखिए ये हमारा फ्लावर बन गया है फ्रेंड्स ये देखिए फिर हमें यहाँ पे तीन चैन बनाना है फिर धागे को हमें टर्न करना है फिर ये वाली लाइन हमें बनानी है सभी में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है जहाँ पे हमारा दो चैन है वहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनानी है पफ के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है फिर जो दो चैन है दो डबल क्रोशिया पफ के ऊपर एक डबल क्रोशिया फिर दो डबल क्रोशिया जो दो चैन है यहाँ पे हमें आठ डबल क्रोशिया बनानी है और साइड साइड में हमें पाँच पाँच डबल क्रोशिया में बनानी है टोटल हमें यहाँ पे अट्ठारह डबल क्रोशिया में बनानी है ये देखिए साइड में पाँच पाँच और फिर यहाँ पे दो फिर एक फिर दो फिर एक फिर दो यहाँ सभी में हमें डबल क्रोशिया में बनानी है ये देखिए फ्रेंड्स ये लाइन हमारा ये लाइन हमने बना लिया है अब इसी पैटर्न से इसे हमें अब रिपीट करते हुए जाना है और सौ लाइन की हमें ये बॉर्डर पट्टी बनानी है ये देखिए ये हमारा फ्लावर है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बॉर्डर पट्टी तो अब इसी प्रोसेस हमें अभी से हमें भी इसे रिपीट करते हुए जाना है और हमें सौ लाइन की बॉर्डर पट्टी हमें बनानी है ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी बॉर्डर पट्टी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है ये हमारी सौ लाइन की बॉर्डर पट्टी है ये देखिए यहाँ पे इसे हमने ये फिनिश किया है जिस तरह हमने स्टार्टिंग किया था उसी तरह हमने एंडिंग भी किया है फिर हमें यहाँ पर जो क्रीम कलर है हमारा उससे हमें हमने ये किनारा बनाया है ये जो हमारा अठारह डबल क्रोशिया है यहाँ पे सभी में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है फिर तीन डबल क्रोशिया फिर एक चैन फिर तीन डबल क्रोशिया एक चैन तीन डबल क्रोशिया वाला पैटर्न से हमने यहाँ पे इसका किनारा बनाया है और एक एक लाइन हमने स्कीप किया एक एक लाइन स्कीप करके हमने फिर तीन डबल क्रोशिया एक चैन फिर तीन डबल क्रोशिया फिर एक चैन एक और फिर हमें एक एक लाइन हमने स्किप किया है ये देखिए एक लाइन हमने स्किप किया फिर तीन डबल क्रोशिया एक चैन एक लाइन स्किप किया फिर तीन डबल क्रोशिया फिर एक लाइन स्किप किया इसी प्रोसेस से हमने इसका किनारा बनाया है और जिधर से हमें इसे हैंग करना है जो तोरन को जो हैंग करना है उस कॉर्नर पर हमें आठ चैन बनानी है और जिधर हमें तोरन बनानी है उस कॉर्नर पर हमने यहाँ पर पाँच चैन हमने बनाया है ये देखिए इसी पैटर्न से हमने ये किनारा बनाया है ये सौ लाइन की हमारी बॉर्डर पट्टी है अगर इससे ज़्यादा आपको बनानी है तो इससे ज़्यादा भी आप इसे बना सकते हैं ये देखिए जिधर से हमें हैंग करना है आठ चैन और जिधर हमें बनानी है उधर हमने पाँच चैन बनाया है और इधर भी हमने सभी पे सिंगल क्रोशिया हमने बनाया तीन डबल क्रोशिया एक चैन तीन डबल क्रोशिया का पैटर्न से हमने ये किनारे दो साइड हमने बनाया और बाकी दो साइड हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हमने ये किनारा बनाया है ये देखिए ये बॉर्डर पट्टी बनकर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है अब हमें तोरण बनानी है इसके लिए हमने धागे में हमें पहले मोती हमें पिरो लेनी है जो हमारी आठ नंबर की जो मोती है धागे में हमें निडल की सहायता से धागे में हमें मोती पिरो लेनी है फ़ोर्टी फोर मोती हमें पहली लाइन के लिए हमें पिरोनी है ये धागे में हमने फोर्टी फोर मोती हमने धागे में पिरो लिया है यहाँ पे अब हमें ये जो हमारा दस नंबर का क्रोशिया है इसे भी अब हमें लेना है और जो ग्यारह नंबर का क्रोशिया है उससे हमें बनाना है सबसे पहले धागे में हमें नोट लगा लेनी है जिसमें हमने मोती पिरोया है फिर हमें बॉर्डर पट्टी लेनी है इधर जिधर हमें तोरण बनाना है उधर हमने यहाँ पे पाँच चैन हमने बनाया है फिर एक ये हमें स्कीप करनी है जो हमारा दूसरा है वहाँ पर इसे हमें सिंगल क्रोशिया फिर तीन चैन ये हमने तीन चैन बनाया फिर यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है एक दो इनमें दो डबल क्रोशिया हमने बना लिया फिर हमें यहाँ पे आठ चैन बनाना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये हमने आठ चेन बनाया फिर लूप को हमें लंबा करना है फिर जो हमारे दस नंबर का क्रोशिया है उससे हमें मोती पिरोनी है तो चार मोतियाँ हमें लेनी है एक दो तीन चार इस तरह हमें एक दो तीन अगर आपके पास वायर है पतली सी वायर तो आप वायर से भी मोती को पिरो सकते हैं या तो फिर ये दस नंबर की हुक से भी आप इसे पिरो सकते हैं ये हमने आठ चैन बनाया उसके अंदर हमने चार मोती पिरोया है फिर एक दो नहीं यहाँ पे या तो आप इसे भी काउंट कर सकते हैं एक हमने स्किप किया फिर अगले में यहाँ पे फिर हमें तीन तीन डबल क्रोशिया बनानी है हमें एक दो तीन फिर हमें यहाँ पे आठ चैन बनाना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ या तो आप इसे भी काउंट कर सकते हैं दो हमने स्किप किया है दो हमने छोड़ा फिर यहाँ पे हमने बनाया आप इसे भी काउंट कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक स्किप किया दूसरे में हमने बनाया हमने यहाँ पे आठ चैन बनाया फिर हमें चार मोती पिरोनी धागे में ये यह हमने यहाँ पे पिरो फिर हमें यहाँ पे एक दो फिर यहाँ पे हमें बनानी है अगली गैप में तीन डबल क्रोशिया तीन फिर आठ चैन फिर चार मोती हमें पिरोनी है ये देखिए फिर दो स्कीप करनी है फिर उसके बगल वाले स्पेस में फिर हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह हमें ये बनाना है ये देखिए फ्रेंड्स ये पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है सभी में हमने चाचा मोती हमने पिरो लिया ये देखिए इस तरह हमने यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह टाइम हमने ये मोती हमने लगाया है फिर ये हमने यहाँ पे इसे फिनिश करना है एक चैन एक चेन हमें बनाना है फिर धागे को हमें कट कर लेना है से हमें टाइट कर लेना है ये देखिए ये पहली लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है पहली लाइन में हमने फोर्टी फोर मोतियाँ हमने पिरोया था दूसरी लाइन में हमें चार मोती कम चालीस मोती हमें पिरोनी है ये धागे में हमने दूसरी लाइन के लिए धागे में हमने चालीस मोती हमने पिरो लिया है फिर जो हमारी स्टार्टिंग है ये देखिए यहाँ पर जो चार मोती है हमारा इसके बीचों बीच हमें यहाँ पे धागे को जॉइंट करना है फिर तीन चैन एक दो तीन ये तीन चैन हमने बनाया फिर यहाँ पे दो डबल क्रोशिया एक दो फिर हमें यहाँ पे आठ चेन बनाना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फिर हमें यहाँ पे चार मोती पिरोनी है ये हमने यहाँ पे चार मोतियाँ हमने पिरो लियाँ फिर जो हमारा दूसरा है ये देखिए जो दूसरा मोती का है वहाँ पे फिर दो मोती के बीच में फिर हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है एक दो तीन ये देखिए इस तरह हमें यहाँ पे बनाना है फिर आठ चैन बनाना है फिर चार मोती हमें पिरोनी है धागे में ये हमने ये हमने धागा में मोती हमने पिरो लिया फिर जो अगली हमारी मोती की लाइन जो है हमारी फिर उसमें मोती के बीचों बीच दो मोती हमें इधर रखना है दो मोती इधर रखना है और दो मोती के बीचों बीच हमें फिर यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया हमें बनानी है एक दो तीन ये हमने तीन डबल क्रोशिया हमने बना लिया फिर आठ चैन बनाना है और फिर चार मोती हमें धागे में पिरोनी है अगर आपको लगे फ्रेंड्स कि ये जो हमारा जो आठ चैन हमने बनाया है ये बहुत लूज़ है तो आप चैन को घटा भी सकते हैं और अगर आ, आपको लगे कि टाइट है तो चैन को आप घटा बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं इसे हमें नॉर्मल रखना है ना ज़्यादा टाइट रखना है और ना ज़्यादा हमें इसे लूज रखना है इसे हमें नॉर्मली रखना है तो चैन को आप घटा बढ़ा भी सकते हैं ये हमने चार मोती धागे में पिरो लिया फिर हमें अगला लेना है फिर सेम प्रोसेस तीन डबल क्रोशिया में बनानी है बीचो बीच एक दो तीन फिर आठ चैन फिर चार मोती हमें पिरोनी है इसी प्रोसेस से ये हमें ये दूसरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है ये देखिए फ्रेंड्स ये दूसरा रो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है ये तो देखिए यहाँ पे हमने इसे तीन डबल क्रोशिया बनाया फिर एक चेन धागे को हमने कट कर लिया है पिछली लाइन में हमने पहली लाइन में हमने ग्यारह टाइम मोती को हमने पिरोया था ग्यारह टाइम में ये मोती की जो लड़ियाँ हैं ये हमने बनाया दूसरी लाइन में हमने दस बार बनाया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस जो तीसरी लाइन है हमारी फिर एक लाइन हमें कम करना है ग्यारह दस फिर नौ फिर आठ सात इसी तरह इसे घटते हुए क्रम में हमें हम इसे बनाना है तो जो हमारी लाइन भी घटते हुए हमें बनानी है तो मोती भी हमें हर लाइन में चार चार मोती हमें कम पिरोनी है हर लाइन में हमें चार चार मोती कम पिरोनी है और हमें अब इसे घटते हुए क्रम में बनाना है जिस तरह हमने पहली लाइन में ग्यारह टाइम हमने बनाया था दूसरी लाइन में हमने दस टाइम बनाया अब तीसरी लाइन में हमें इसे नौ टाइम बनाना है और चार मोती हमें कम पिरोनी है तो पिछली लाइन में है है हमने यहाँ पे चालीस मोती हमने पिरोया था अब तीसरी लाइन में हमें थर्टी सिक्स मोती हमें पिरोनी है और सेम प्रोसेस है जिस तरह हमने ये दूसरी लाइन हमने बनाया है उसी तरह हमें ये तीसरी लाइन भी हमें अब इसके बीच में जो हमारी ये है अब इसके बीचों बीच से हमें फिर इस तरह इसे बनाना है तो अब इसी तरह इसे घटते हुए क्रम में हमें बनाना है टोटल इसे हमें जब तक हमारा एक तक ना पहुँच जाए तब तक इसे हमें घटते हुए क्रम में बनाना है अब हमें इसी प्रोसेस इसे रिपीट इस करते हुए जाना है और जो मोती लड़ियां जो हमें एक तक हमें इसे बना लेना है ये देखिए फ्रेंड इसे हमने घटते हुए क्रम में हमने बना लिया है ये देखिए एक तक हमने इसे बना लिया है अब इसके बीचों बीच हमें सिर्फ तीन डबल क्रोशिया हमें बनानी है ये देखिए तोरण हमारा ये बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखिए फ्रेंड्स अब हमें जो ये नीचे वाली है अब हमें सिर्फ यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया हमें बनानी है तो धागे हमने नोट लगा लिया फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया फिर एक दो तीन चैन फिर दो डबल क्रोशिया एक दो फिर एक चैन धागे को हमें कट कर लेना है ये देखिए ग्यारह से फिर दस ग्यारह बनाया फिर दस फिर नौ आठ सात इसी तरह से घटते हुए क्रम में हमने इसे बनाया है ये देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद अब हमें इसका किनारा बनाना है इसी तरह सेम प्रोसेस हमें अब इसकी दूसरी तरफ भी हमें बनाना है तो दूसरी तरफ जब हमें बनाना है तो यहाँ पर हमने एक दो तीन तीन स्पेस का हमने गैप दिया है और चौथे स्पेस से फिर हमें इसे इसी प्रोसेस से हमें इसे दूसरी तरफ बना लेना है सेम प्रोसेस से बीच में सिर्फ हमें तीन स्पेस का गैप देना है और चौथे गैप से इसे हमें बनाना शुरू करना है सेम प्रोसेस से हमें दूसरी तरफ भी इसे बना लेना है अब हमें इसका किनारा बनाना है फ्रेंड्स धागे में हमें नोट लगानी है आप चाहें तो क्रीम कलर से भी इसका किनारा बना सकते हैं या तो आप ये जिस कलर से मैंने तोरण बनाया है उस कलर से उस कलर से भी आप इसका किनारा बना सकते हैं तो जो ये हम यहाँ पर है यहाँ पे इसे हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है फिर एक दो तीन चार आठ से दस चैन हमें यहाँ पे बनाना है छः, सात आठ फिर जो हमारे ये पहला डबल क्रोशिया है वहाँ पे इसे हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है ये देखिए ये हमने आठ से दस चैन बनाया है अगर आपको ज़्यादा लूज चाहिए तो आप इससे ज़्यादा भी चेन आप बना सकते हैं फिर हमें आठ से दस चैन बनानी है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फिर जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है वहां पे सिंगल क्रोशिया फिर आठ से दस चैन फिर अगले में हमें जॉइंट करना है इसी तरह हमें इसे सभी में इस तरह आठ से दस चैन बनानी है और सभी जो कॉर्नर है सभी में हमें इसे जॉइंट करना है ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने सभी में इस तरह हमने ज्वाइन कर लिया फिर जो हमारे ये नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पर हमें पाँच चैन बनाना है ये हमने यहाँ पे पाँच चैन बनाया और फिर जो ये यह यहाँ है यहाँ पे इसे तीसरी डबल क्रोसे में हमें इसे ज्वाइन कर लेना है ये हमने तीसरी डबल क्रोसे में ज्वाइन कर लिया फिर हमें आठ से दस चैन बनाना है और फिर हर कॉर्नर में जिस तरह हमने इधर ज्वाइन किया है उसी तरह हमें इसे दूसरी तरफ भी बना लेना है ये देखिए फ्रेंड्स ये दूसरी तरफ भी हमने इसे बना लिया फिर हमें यहाँ पे ये यह हमारा लास्ट है तो फिर हमें यहाँ पे फिर आठ से दस चैन बनाना है चार पाँच छः सात आठ नौ दस फिर जो हमने यहाँ पर बीच में एक दो तीन तीन स्पेस का जो हमने गैप दिया है जो हमारे दूसरा है स्पेस है वहाँ पे इसे हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेना है फिर हमें आठ से दस चैन बनाना है और जो हमें जब हम ये दूसरा तरफ जो हमें दूसरी तरफ जो हमें बनाएंगे तोरण उसमें फिर इसे जाके हम इसे जॉइंट कर लेना है और फिर इसी किनारा को फिर हमें इसी तरह रिपीट करते हुए दूसरे में भी हमें दूसरे में भी हमें इसे बना लेना है जब ये हमारा चैन किलरियाँ जब हमारी कंप्लीट हो जाए तो इसमें फिर हमें लटकन लगा लेना है सभी में जितनी भी हमारी चैन किलरियाँ हैं सभी में हमें लगा लेना है ये यह देखिए यहाँ पे भी हमें नीचे में भी लगा लेना है और सभी में हमें इस तरह लटकन लगा लेना है आप चाहें तो पम भी लगा सकते हैं या तो लटकन भी आप लगा सकते हैं बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने आपको दो बनाना बताया है दो बार आप चाहें तो इसे तीन बार भी बना सकते हैं दो बार भी बना सकते हैं आप इसे जैसा बनाना चाहें वैसा आप इसे बना सकते हैं दो टाइम भी इसे आप बना सकते हैं तीन टाइम भी इसे आप बना सकते हैं और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स ये देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो ज़रूर जरूर इसे लाइक करें कमेंट्स करें शेयर करें न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा घड़ी पर क्लिक जरूर करें कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू अ नाइस डे